हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज की वीडियो में ना हम ये वाला लुक क्रिएट करने वाले हैं जो कि है यमुना जैदी का फ्रॉम तेरे बिन। और ये वाला लुक ना मेरा मोस्ट 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 फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा ग्लोई सा लुक है। तो अगर आप लोग ईद पर भी ना कोई सिंपल सा ग्लोई सा लुक करना चाहते हैं ना, तो ये वाला लुक बेस्ट है। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमने इस लुक को क्रिएट किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ डर्माशाइन का विटामिन ई सीरम। इससे ना मैं अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लूँगी क्योंकि हमें जो मेकअप लुक चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ग्लोई सा होना चाहिए। तो इसके लिए ना अपनी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सीरम आप यूज़ करते हैं ना, वो आपने सीरम उठाना है और अच्छे से अपने फेस पर सबसे पहले सीरम अप्लाई करना है, उसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपनी बेस ग्लोई बनानी है और इसके लिए ना मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लिक्विड इल्यूमिनेटर। अच्छा, थोड़ी सी क्वांटिटी आपने इसकी निकालनी है अपने हाथ पे और इसको अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे ना अच्छे से अप्लाई करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इसके ऊपर आप कुछ भी अप्लाई करेंगे ना, चाहे वो फाउंडेशन हो या फिर वो कंसीलर हो, तो वो बहुत ज़्यादा ना ग्लोई सा और बहुत ज़्यादा ग्लॉसी सा बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लगाने के बाद डिफरेंस चेक करें कितनी ज़्यादा शाइन आ चुकी है फेस पर। तो ये चीज़ जो है ना वो अलग से प्रोमिनेंट होती है। इसके बाद आपने क्या करना है, कोई सा भी फाउंडेशन आप जो भी यूज़ करना चाहें वो आप फाउंडेशन ले लें। मैंने यहाँ पर मैक की फाउंडेशन ली है क्योंकि इसकी कवरेज जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। थोड़ी सी आपने क्वांटिटी इसकी हाथ पर निकाल लेनी है और इसके बाद ना आपने जो लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज़ किया था वही वाला मैं इसके एक से दो ड्रॉप जो है ना बस आपने वो डालने हैं इसमें और अच्छे से इन दोनों को ना आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोई फाउंडेशन हो जाएगी आपकी और इसको अच्छे से आपने पूरे फेस पे अपने डॉट कर लेना है। अच्छा, जब आप डॉट करके लगाते हैं ना अपने फेस पे तो बहुत सही क्वांटिटी लगती है आपके फेस पे, वरना तो बहुत ज़्यादा हो जाती है फाउंडेशन। और जो बच जाएगी वो मैं अपने गले पे अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से ना ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने गीला कर लिया है और उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट की है। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ना आपने अपने फेस पे बहुत ही आराम आराम से डैप डैप करते हुए इसको ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी अपने फेस पे रगड़ना नहीं है। अच्छा, आप चाहें तो ब्रश से ब्लेंड कर लें, लेकिन जो ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर से होती है ना वो ब्लेंडिंग ब्रश से होती ही नहीं है। मुझसे तो आज तक कभी नहीं हुई वैसे ब्लेंडिंग, ब्यूटी ब्लेंडर से ना मुझसे बहुत ज़बरदस्त ब्लेंडिंग हो जाती है। इसी तरह से ना मैं अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद देखें जो हमने हाईलाइटर यूज़ किया था उसकी वजह से कितनी प्यारी सी ग्लो आ चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पर ए पी के का प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और ये सबसे फेयर वाला शेड है क्योंकि हमें बेस थोड़ी सी फेयर चाहिए, तो मैंने ये वाला यूज़ किया है। इसको ना बहुत ही ज़्यादा आपने कम क्वांटिटी में इसको अप्लाई करना है, बस अपनी आंखों के नीचे हल्का सा, अपने थोड़ा सा नोज़ पे कर लें थोड़ा सा, बस जहाँ जहाँ आपको लगे ना कि मुझे यूज़ करना चाहिए ना आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई मार्क्स वगैरह छुपाने के लिए यूज़ करना है तो आप उसके लिए यूज़ कर लें। वरना तो अगर आपके कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है ना, जैसे मेरे पिगमेंटेशन नहीं है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको बस उन जगहों पे यूज़ किया जहाँ पर मुझे ज़रूरत थी, जहाँ पर मुझे यूज़ करना था। इसके बाद मैं इसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और आप डिफरेंस देखें हमारी जो आँखों के नीचे वाला एरिया है वो कितना ज़्यादा जो है वो फेयर हो चुका है। इसको अच्छे से ना अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद ना ब्लश के लिए मुझे एक बहुत ही प्यारा सा और क्रीमी सा शेड चाहिए था, तो इसके लिए मैंने अपनी एक लिपस्टिक यूज़ कर ली है। आप भी अगर आपके पास कोई लिपस्टिक का ऐसा प्यारा सा शेड है ना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्रीम ब्लश हो तो आप वही यूज़ करें। अगर आपके पास कोई लिपस्टिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बस आपने ना पाउडर वाले ब्लश यूज़ नहीं करने, क्रीम ब्लश या फिर लिपस्टिक वगैरह अपने ही यूज़ करनी है क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी सा लुक आएगा आपके पूरे फेस पे। अच्छा, इसको मैंने अपने चीक्स पर अच्छे से अप्लाई किया है और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही ना इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और आप इसका शेड चेक करें कितना ही ज़्यादा कोई ज़बरदस्त शेड है। और सेम शेड को ना मैं लेकर अपनी आई लिड पर इसको अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से, ताकि एक कलर आ जाए बस हमारी आँखों के ऊपर। हमें हल्का सा पिगमेंटेड आँखें दिखानी हैं, बाकी कोई शेड वगैरह यूज़ नहीं करना। इसके बाद ना हमने अच्छे से अपनी मस्कारे के साथ अपनी लैशेस को कोट कर लेना है। आप एक कोट कर लें, आप दो कोट कर लें, मैंने यहाँ पर ना दो कोट किए हैं मस्कारे के, उसके बाद लैशेस में ना बहुत अच्छा खासा फर्क आ चुका था। अच्छा, इसके बाद ना हमने जो बेस लगाया, सॉरी फाउंडेशन लगाई है और इसके ऊपर कंसीलर लगाया है, उसको सेट करने के लिए ना मैं यहाँ पर फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये लूज़ पाउडर है, आप चाहें तो वो जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो यूज़ कर लें या फिर लूज़ पाउडर यूज़ कर लें।
ब्रश से मैंने इसको हल्का हल्का सा जो है ना अपनी अंडर आइज़ के नीचे लगाते हुए ब्लेंड करते हुए अपने पूरे फेस पे आपने एक दफ़ा ब्रश से अपना हाथ घुमा लेना है। इसके बाद पारी आती है लिपस्टिक्स की। दो शेड्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही थी, मैंने लिपस्टिक के दो शेड्स निकाले थे, लेकिन जब मैंने ये फर्स्ट वाला शेड अप्लाई किया ना, इसी से मुझे कलर बहुत अच्छा खासा मैच होता हुआ दिख रहा था, तो फिर मैंने बोला कि बस अब छोड़ दो दूसरा वाला, ये वाला ठीक है। तो बस ये रहा हमारा लुक, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी और बहुत ही कम वक्त में आप ना ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। और बस इसके बाद मैंने झटपट से अपने बाल बनाए, जिस तरह से उसमें यहाँ पर चुटिया बनी हुई थी, आगे से बाल इस तरह से पिन थे और यहाँ से थोड़े से कर्ल्स थे, तो साइड से मैंने कर्ल्स कर लिए। अच्छा, ये इतना ज़्यादा लाइट सा लुक है ना कि आप इसको ईद पर भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा होती है। कमेंट्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और साथ में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।